सीरियल पटियाला बेब्स में मनाई जा रही है खुशियां। फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को बेसब्री से था इंतजार। जी हाँ, आज बबीता की हो रही है उपटन सेरेमनी, जहाँ मिनी झूम झूम कर नाच रही है। वेल, बबीता की इस उपटन सेरेमनी में दिखा एक खास नजारा भी, जहाँ इमरती जो हनुमान की पहली बीवी हैं, वो भी आई हैं और लगा रही हैं मिन्नी के साथ ठुमके। जी हाँ, इमरती यहाँ भूत बनकर खुशियों में भंग डालने नहीं आई हैं, बल्कि वो आई हैं मिन्नी की ख्वाबों में। दरअसल मिन्नी सोच रही है कि अगर इमरती सबके साथ होती तो कैसे डांस करती। और तो और, यहाँ इमरती ने बबीता को उबटर भी लगाया। खैर, सारे गम भुलाकर बबीता बढ़ रही हैं हनुमान के साथ आगे। इस बात को सोचकर मिनी बहुत खुश है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हैं बबीता इस शादी के लिए। इससे पहले बबीता को सुनने पड़े थे कई ताने, जिससे उनके दिल को लगा था गहरा धक्का। और एक वक्त ऐसा भी आया जब बबीता ने कर दिया इस शादी से इनकार, लेकिन मिन्नी के लाख समझाने के बाद बबीता हुई तैयार इस शादी के लिए। वेल, तो हो जाइए सब तैयार बबीता और हनुमान के शादी का जश्न मनाने के लिए, जिसकी आज पहली रस्म निभाई जा रही है। और इस उबटन सेरेमनी के लिए बबीता भी हो रही हैं तैयार। और खुद को रखा है सिंपल और डिसेंट लुक में। जी हाँ, अभी चूंकि शुरुआत ये पहला ही इवेंट है उपटन का, तो अभी बबीता को बहुत ज़्यादा डेक्टअप नहीं किया है, बहुत ज़्यादा दुल्हन वाला गेटअप नहीं दिया है, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होगी। तो अभी तो एक सिंपल सी पंजाबी सलवार सूट है और सिंपल सा लुक है फिलहाल। उधर मिन्नी भी लहंगे में है बंठन का तैयार और लगा रही है ठुमके। जी जी बिल्कुल, काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, इमोशनल ड्रेन्स अप डाउन्स के बाद खुशी का माहौल आया है। दोनों शादी के लिए राजी हो गए, मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो अभी खुशी का माहौल चल रहा है, पूरी हवेली सजी हुई है, हम सजे हुए हैं, नाच गाना चल रहा है। जी बिल्कुल, आई गेस जब से मिनी को इमरती जी के बारे में पता चला है वो कैसी थी, क्या पर्सनालिटी थी, कैसी थिंकिंग थी उनकी, वो काफ़ी फॉन्ड है इमरती जी को लेकर। शी लुक्स अप टू हर एंड उसे ऐसा लगता है कि अगर काश मैं उसे सच्ची में मिल पाती, सच्ची में बातचीत कर पाती, अगर उस खुशी के माहौल में शामिल होती तो काफ़ी अच्छा होता। इसलिए उपटन सेरेमनी से पहले मैं उपटन भी इमरती जी की फ़ोटो के पास लेकर जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। एंड तभी छोटा सा ड्रीम सीक्वेंस जाता है जब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि इमरती जी के साथ डांस कर रही हूँ, लेकिन बिकॉज शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो इमेजिनेशन की हो जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उपटन की सेरेमनी है ये, हल्दी की रस्म बाद में होगी हमारी, हल्दी मेहंदी की, लेकिन यस ये यूजुअली येलो इश कलर ही होता है। तो वी आर ब्रेकिंग द ट्रेंड बिकॉज पटियाला बेस इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स एंड बीइंग डिफरेंट एंड बीइंग यूनिक, तो इसलिए हमारी आउटफिट भी डिफरेंट है। एज यू कैन सी मिनी इज अ टीनेजर, तो वो वैसे ही क्लोथ्स पहने हुए हैं इसने, बेबी पिंक और बेज फ्लोरल प्रिंट्स के साथ, चुन्नी भी इधर टाई हुई की हुई है चूड़ियों पर, एंड दिस इज द एंटायर लुक। जी बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, इनफैक्ट हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद ही ले रही है, वो सारी भाग दौड़ कर रही है, एक एक फूल की लड़ी से लगाने से लेकर केटरिंग सर्विसेज तक, ये सोचने कि बेब्स क्या पहनेगी, कैसे अरेंजमेंट होगा, सब कुछ मैंने देख रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स की बेब्स के जो ड्रीम्स थे जो पहली शादी में पूरी ना कर पाई, शायद अधूरे रह गए हैं, वो मैंने चाहती है कि मैं अपनी माँ के ड्रीम्स पूरे करूँ इस शादी में, वो सारे ड्रीम्स कर दूँ, जो भी वो चाहती है, तो वो पैसे का भी नहीं सोच रही है। अदरवाइज मिनी इज़ रियली बिजनेस माइंडेड,
तो यस काफ़ी अच्छा माहौल है. मिनी काफ़ी भाग दौड़ कर रही है, पूरा स्ट्रेस में है, लेकिन ऑब्वियसली अपनी माँ की खुशी में बहुत खुश है.